संजय प्लेस के व्यापारियों का धरना लगातार 29वें दिन भी जारी रहा। व्यापारियों को इस मुसीबत की घड़ी में सपा के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार का समर्थन मिल गया है। अब व्यापारी वाजिद निसार के साथ मिलकर जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। वाजिद का कहना है कि व्यापारियों के लिए उनकी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, अगर उन्हें डंडे और गोली भी खानी पड़े तो वो तैयार है। संजय प्लेस वेलफेयर एसोसिएशन के व्यापारी पिछले 29 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। इन व्यापारियों को किसी का भी जब सहारा नहीं मिल रहा है, तो वहीं व्यापारियों की मुसीबत की इस घड़ी में सपा के तेज तर्रार महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार का समर्थन मिल गया है। वाजिद निसार सोमवार को संजय प्लेस व्यापारियों के बीच पहुंचकर अपना समर्थन दिए। वाजिद निसार का कहना है कि ये सभी आज के क्रांतिकारी हैं। सरकार हिटलरशाही रवैया अपना रही है। ये सभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे और ना ही झुके हैं। इन व्यापारियों को समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है। अपना मान सम्मान सुलमान ऐसी सरकार शासन प्रशासन के आगे नहीं झुके जो हिटलरशाही की तरीके से सरकार चलाने का काम कर रही है। मैं सलाम करता हूँ ऐसे व्यापारी भाइयों का, नमन करता हूँ ऐसे व्यापारी भाइयों को, और साथ में मैं ये आश्वासन देता हूँ अपने धंधे पे बैठे मौजूद सभी व्यापारी भाइयों को और संजय पेरिस के एक एक दुकानदार को, एक समाजवादी पार्टी का सिपाही होने के नाते मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन हमारे व्यापारी भाइयों के साथ है। वाजिद निसार के दहाड़ से पूरा संजय प्लेस गूंज उठा। वाजिद निसार का कहना था कि व्यापारियों के साथ वो और उनकी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। व्यापारी कोई अपराधी नहीं है, व्यापारी शांतिपूर्वक अपना काम करने वाले लोग हैं, लेकिन शासन प्रशासन उनकी एक भी नहीं सुन रहा है। ये ठीक नहीं है। समाजवादी लोग अपने व्यापारी क्रांतिकारी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और दिक्कत परेशानी में इनके साथ खड़े में नजर आएंगे, ये मेरा वादा है। इनके बीच में और साथ में मैं इस भूमि बहरी शासन प्रशासन से भी कहना चाहूंगा कि आंखों में थोड़ा सा शर्म लाओ, पानी लाओ। ये कोई अपराधी लोग नहीं है, ये कोई भ्रष्टाचारी लोग नहीं है, ये सच्चे सीधे व्यापारी है जो सुबह आके व्यापार करने के लिए अपने घरों से आते हैं और रात को व्यापार करके अपने घर पहुंचते हैं। सपा के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार का कहना है कि शहर में जनता ने 9 विधायक दिए हैं, 2 सांसद तो 2 मंत्री और 70 पार्षद भी दिए हैं, लेकिन फिर भी व्यापारी धरने पर बैठने के लिए क्यों मजबूर हैं? इसके अलावा वाजिद का ये भी कहना है कि अगर उन्हें व्यापारियों की लड़ाई में गोली और डंडे भी खाने पड़े तो वो पीछे हटने वाले नहीं है। ऐसे लोग 28 दिन से यहां धरने पर बैठे हैं, जरा से किसी के आंख में शर्म नहीं आई कि व्यापारी भाइयों का दुख दर्द जाके बांटे, इसको शॉर्ट आउट करें, इससे बात करें कि बताओ भाइयों की आपकी क्या मांग है, आप लोग शासन प्रशासन से क्या चाहते हो, इनसे संवाद करते, बैठ के बात करते। शहर में सपा के सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले वाजिद निसार की संजय प्लेस में दहाड़ से व्यापारियों को संजीवनी मिल गई है। व्यापारियों का आत्मबल बढ़ गया है। अब देखना यह है कि व्यापारियों की मांग नगर निगम कब तक मानता है। विनोद जूनियर, सी न्यूज़, आगरा।